छोड़ने की कोशिश कर रहे थे ना? अब क्या क्या छोड़ू, सबको तो छोड़ चुका सिवाय तुम्हारे। रियली डॉन, आज तो मुझे लगा कि तुम पकड़े जाओगे या मैं तुम्हें खो दूंगी। किससे? रोमा से। को वो नकली, उसमें कभी कुछ था ही नहीं। मरी सुमिरा, अब एशिया के पूरे अंडरवर्ल्ड का बादशाह है। आई एम द किंग। और जहां तक मेरे पकड़े जाने का सवाल है, तो एक बात हमेशा याद रखना, प्लीज डॉन को पकड़ना मुझे। किंग खान शाहरुख खान के जवान, पठान और डंकी मूवी के बाद फिर एक बार शाहरुख खान ने बॉलीवुड पे अपना कमबैक किया। उसके बाद से ही उनके फिल्मों का चर्चा देश भर के साथ साथ विदेशों में भी होने लगा। जवान 161 करोड़, पठान 1000 करोड़ और डंकी 492 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके शाहरुख खान ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। ऐसे में उनके फैंस उनकी अगली फिल्म के इंतजार में हैं। ऐसे में रूमर्स आ रहा है कि तमिल इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ उनकी अगली मूवी आ सकता है, जिसका नाम पैंथर हो सकता है, जहां शाहरुख खान एक पावरफुल जबरदस्त किरदार में दिखाई दे सकते हैं। हालांकि इस मूवी के बारे में अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में शाहरुख खान और डायरेक्टर लोकेश कनगराज दोनों एक साथ काम करने वाले हैं, जिन्होंने विक्रम, लियो और कैथी जैसे मूवी को डायरेक्ट किया है। वैसे आप कितने एक्साइटेड हो शाहरुख खान की अगली मूवी के लिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।